हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फ्लोके इनो टोकन के बारे में। एंड अब फ्लोके इनो को अगर अभी के टाइम पे आप लोग देखेंगे तो 83 की सीरीज में चल रहा है, बहुत ही अच्छा खासा सुनहरा मौका है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से एक बाइंग जोन जो है आप लोग बना सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या कुछ न्यूज है, क्या इतना बड़ा अपडेट जो है इसके ऊपर आ रहा है, बहुत ही बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे लिस्टिंग होने की बात हो रहा है। एंड इनकी एनएफटी हो गया, मेटावर्स हो गया और बहुत सारे न्यूज जो यहाँ पे 30 सितंबर को आने वाला है, जिसके ऊपर डिस्कशन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और पहले बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल आपकी काम की यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ऑल्ट मार्केट को देखेंगे तो सारे मार्केट अभी के टाइम पे रेड जोन के अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्लोके इनो के अंदर यहाँ पे गिरावट आप लोग को देखने को मिल रहा है। एंड हमने जो है पिछले वीडियो के अंदर आप लोग को बताया था 82-83 सेंट में जो है आप लोग एक जो है बाइंग जोन यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एक अच्छा खासा 82 की सीरीज तक यहाँ पे पंप जंप जो है आप लोग को देखने को मिला, मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। तो अभी के टाइम पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो 2 मिलियन की एबव जो है यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा है, 2% माइनस के अंदर चल रहा है। एंड वहीं पे अगर प्राइस को देखेंगे 4% माइनस के अंदर चल रहा है। एंड जितने भी कॉइन को अभी के टाइम पे उठा के देखेंगे 14% 12% 11% जो बड़े बड़े कॉइन है वो अभी के टाइम पे टूटा हुआ है। एंड लूना सी कॉपी अभी के टाइम पे देखेंगे तो 46% यहाँ पे डाउ चला गया है। तो क्या कुछ न्यूज है जिसकी वजह से फ्लोके इनो के अंदर एक अच्छा खासा स्पाइक आप लोग को देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में हो या टर्म में हो। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 सितंबर को डीफाई स्टेकिंग फार्मिंग के ऊपर ये लोग इम्प्लीमेंट करने वाले है। 30 सितंबर जो है यहाँ पे 3 न्यूज है, फ्लोके क्रॉसचेन ब्रिज जो है ये लोग यहाँ पे रिलीज करने वाले हैं 30 सितंबर को, प्लस यहाँ पे भिलाइला पाथ अपडेट। तो भिलाइला जो है आप लोग को पता है ये जो है इनकी मेटावर्स गेम है। एंड इसके ऊपर बहुत ही अच्छा खासा हाइप यहाँ पे बनता हुआ आप लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लोके इनो की जो कॉइन बेस की जो सॉरी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो यहाँ पे ब्लू टिक है इनकी इम्प्लीमेंट जो है अभी के टाइम पे हो रहा है। एंड अभी तक इनकी जो है साइन इन नहीं हुआ है एंड यहाँ पे ब्लू टिक जो है नहीं आया है, लेकिन इनकी जो है कंप्लेन कर चुके हैं एंड इनकी ऑलरेडी जो है ये पासवर्ड हो चुके हैं। तो जिसके ऊपर इन्होंने जो है लगभग कॉइन मार्केट को यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए 12 सितंबर को इन्होंने मेल कर दिया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पे निकल के आ रहा है, 9 हर्सेगो एपी टीवी के ऊपर जो है एपिसोड 41 जो है यहाँ पे शुरू होने वाला है, जहाँ पे फ्लोके इनो की टीम जो है जाएगा, जहाँ पे जो फ्लोके लक्कर है एंड इनकी जो भिलाइला गेम है एंड फ्लोके इनो की जो भी प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करें 3 हर्सेगो यहाँ पे आया है फ्लोके भेकिंग टॉकिंग ओवर रेडिट। तो रेडिट के ऊपर लगभग यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 430 मिलियन जो है और एक्टिव यूजर ऑलरेडी जो है मंथली बेसिक के अंदर यहाँ पे फ्लोके इनो के अंदर आता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो बहुत सारे इवेंट जो है अभी 1 बाय 1 इसके अंदर आ रहा है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज की बात करें 16 हर्सेगो फ्लोके इनो लॉकर। तो फ्लोके लॉकर के बारे में आप लोग को पता है बहुत सारे पार्टनरशिप जो है सारे एक्सचेंज के साथ, इन्होंने ओकेएक्स हो गया, आपी स्वाप हो गया, कूकॉइन हो गया। तो यहाँ पे 5th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेशन यहाँ पे कूकॉइन के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर 28 सितंबर को यहाँ पे फ्लोके इनो को इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पे लॉकर के ऊपर ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी न्यूज जो अभी के टाइम पे है फ्लोके इनो रॉबिनहुड लिस्टिंग एंड प्लस आप लोग यहाँ पे देखेंगे फ्लोके इनो इट्रो लिस्टिंग। तो इट्रो अगर बात करें तो 25 मिलियन से अभव जो है इसके ऊपर यूजर है। एंड अगर यहाँ पे लिस्टिंग हो जाता है तो आप लोग को ये जो प्राइस अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है शायद ये आप लोग को देखने को ना मिले। एंड रॉबिनहुड तो आप लोग को पता ही है। तो बेसिकली बात करें तो रॉबिनहुड एंड यहाँ पे इट्रो एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग की बात चल रहा है एंड यहाँ पे बाइनांस को लेके भी लिस्टिंग की बात चल रहा है। एंड अभी के टाइम पे इनकी पेटिशन जो है अभी के टाइम पे साइन इन हो रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं फ्लोके इनो को लिस्टिंग करवाने तो आप लोग इसकी जो पेटिशन को जाके साइन इन कर सकते हैं। एंड बहुत सारे अपडेट अगर आप लोग देखेंगे 14 सितंबर को ये एक अपडेट आया कम्युनिटी को लेके, हाउ टू प्ले भिलाइला गेम को जो है आप लोग कैसे प्ले करेंगे उसके ऊपर अपडेट आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे बाइनांस की पेटिशन भी यहाँ पे साइन इन हो रहा है,
प्लस आप लोग को कॉइनबेस की पिटिशन भी साइन इन हो रहा है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें इलन मस्क, तो इलन मस्क जो है यहाँ पे 13 सितंबर को 2021 को जो है फ्लोकिन को यहाँ पे सपोर्ट किया था। एंड नेक्स्ट अभी के टाइम पे भी देखने को मिल सकता है फ्लोकिन को जो है यहाँ पे सपोर्ट फिर से जो है इलन मस्क यहाँ पे कर दे। एंड कोई भी ट्वीट अगर इसके ऊपर कर देते तो आप लोग को पता है इलन मस्क ऑलरेडी जो है क्योंकि इनको सपोर्ट पहले से करते हैं। तो इनकी जो टीम है अभी के टाइम पे ब्राज़ील के अंदर है एंड वहाँ पे जो है मीटअप कर रहे हैं एंड ब्राज़ील के अंदर इनका डेवलपमेंट जो है यहाँ पे चल रहा है। तो बहुत सारे न्यूज़ जो है फ्लोकिनो के अंदर अभी के टाइम पे आ रहा है एंड आने वाले दिनों में भी बहुत सारे न्यूज़ आप लोग को देखने को मिल सकता है। एंड अभी के टाइम पे ऑल्ट मार्केट के अंदर डाउन है जिसकी वजह से फ्लोकिनो के अंदर भी डाउन है। एंड यहाँ पे 30 सितंबर जो है बहुत बड़े बड़े इवेंट इसके अंदर है, तो इसी के हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे एक बाइंग जोन बनाते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। 13 सितंबर तक आप लोग यहाँ पे 20 किल्ड होता हुआ इसके अंदर देख सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं तो लगभग यहाँ पे 40 किल्ड होता हुआ दिख सकता है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग यहाँ पे उठाना चाहते हैं तो आप लोग इसको साथ में जा सकते हैं। अभी के टाइम पे बहुत ही वॉल्यूम कम है एंड कोई भी ट्वीट आता है एंड यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इनका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा खासा स्पाइक जो है इसके ऊपर देखने को मिलेगा। एंड एक मौका है अगर आप लोग यहाँ पे बाय करना चाहते तो आप लोग यहाँ पे जो है एक अपना उम्मीद जो है यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा स्पाइक जो है आप लोग को आने वाला दिनों में देखने को मिलेगा। एंड 1,000 रुपया हो, 2,000 रुपया हो या तो 10,000 रुपीज़ हो, जो भी हो आप लोग जितने भी चाहे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा रिसर्च जरूर कीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूले। एंड आप लोग की कौन सी ऐसा कॉइन है जिसके अंदर होल्डिंग है ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।